19 जुलाई 2024 जब पूरी दुनिया ठहर गई कारण माइक्रोसॉफ्ट में आई टेक्निकल गड़बड़ी। आज का वीडियो आप अंत तक पूरा देखिए जिसमें इसी का ही डीकोड करेंगे कि ऐसी गड़बड़ी आखिर पूरी दुनिया में क्यों हुई। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में बैंकिंग सर्विस से लेकर फ्लाइट सर्विसेज तक सब कुछ प्रभावित हो गया। दुनिया भर में विंडो यूजर की डिवाइसों में ब्लू स्क्रीन दिखाई देने लगी जिस पर एरर लिखा हुआ आने लगा। विंडो में आई इस गड़बड़ी की वजह से एयरलाइंस, बैंकिंग, सुपरमार्केट, स्टॉक मार्केट पूरी तरह से प्रभावित हो गया। अमेरिका में 3 एयरलाइंस कंपनियों ने अपने सभी विमानों को जमीन पर उतार लिया। भारत में भी एयरलाइंस सर्विस बाधित हुई। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट की वजह से सिर्फ एयरलाइंस और बैंकिंग सर्विस पर ही इसका असर नहीं हुआ बल्कि कई बड़े मीडिया संस्थानों में भी कामकाज ठप हो गया। अमेरिका के कई राज्यों में आपातकालीन सर्विस 911 बाधित हुई। ब्रिटेन में स्काई न्यूज को ऑफ एयर करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने विंडो क्रैश होने की तस्वीरें शेयर किए। आइए जानते हैं कि किस देश में माइक्रोसॉफ्ट विंडो में आई गड़बड़ी का असर क्या क्या मिलने लगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो अब हम बताते हैं आगे। भारत में एयरलाइंस सर्विस प्रभावित हुई। भारत में हवाई सफर की सर्विस देने वाली 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों के सर्वर को बड़ी टेक्निकल गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। इंडिगो, आकाशा एयर, स्पाइस जेट एयरलाइंस को दुनिया के कई एयरपोर्ट पर वेब चेक इन में दिक्कतों से जूझना पड़ा। इस वजह से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट्स पर ही उनके यात्रियों को परेशानी होने लगी। आकाशा एयरलाइंस ने यात्रियों से कहा कि वह एयरपोर्ट्स पर मैन्युअली चेक इन और बोर्डिंग की सुविधा दे रहे हैं। एक्चुअल में चेक इन करने वाले जितनी भी एयरलाइंस हैं उनमें सॉफ्टवेयर की दिक्कतें आने लगी, उनमें ये सारी की सारी दिक्कतें आई। इन तीनों एयरलाइंस का चेक इन सिस्टम काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से देश भर में उड़ानें प्रभावित होने लगी। इसके अतिरिक्त बैंकिंग, स्टॉक मार्केट इत्यादि भी सारे के सारे ठप हो गए और साथ में न्यूज चैनल भी सारे के सारे ठप हो गए, सबको ऑफ एयर करना पड़ा। मेलबोर्न एयरपोर्ट पर भी यही सब चीज़ें दिखाई देने लगी और पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका असर ऑस्ट्रेलिया में पड़ा और इसके साथ में ब्रिटेन में रेल यात्रा भी प्रभावित हुई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसका असर पड़ा। यूरोप में रॉयन एयर ने कहा कि नेटवर्क में आई गड़बड़ी की वजह से उसकी फ्लाइट्स प्रभावित हुई। यात्रियों से कहा गया कि उड़ान भरने से पहले वह रॉयन ऐप पर अपनी फ्लाइट को चेक कर ली। ब्रिटेन में रेल व्यवस्था भी चौपट हो गई। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के चलते रेल कंपनियों ने यात्रियों को बताया कि ट्रेनों को चलाने में दिक्कत होने लगी। स्काई न्यूज को आउटेज की वजह से बंद करना पड़ा। अब आपको बताने वाले हैं कि ये सारी की सारी दिक्कतें आई क्यों। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये है कि क्राउड स्ट्राइक की खराबी के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंप्यूटर के यूज़र को दुनिया भर में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसकी दिक्कत की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट सर्विसेज थम गई, साथ ही इसकी वजह से बैंक और शेयर मार्केट का कामकाज भी थम गया। क्राउड स्ट्राइक विंडोज पीसी के लिए एडवाइस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक आउटेज के पीछे कि जो वजह है वह उनका मेन प्रोडक्ट फैलकॉन है। इसमें टेक्निकल एरर है। ये विंडोज सिस्टम को सिक्योर करने के लिए एक मेजर प्रोटेक्शन सिस्टम की वजह से है और यही वजह है कि दुनिया भर में यूज़र आउटेज का सामना करने लगे। क्राउड स्ट्राइक के बारे में थोड़ा और अगर हम बताएं तो यह साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो क्लाउड बेस्ड एपेटाइट प्रोटेक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इनके मेन प्रोडक्ट फॉलकन है जो नेटवर्क और एंड पॉइंट पर मालिशियस फाइल्स और बिहेवियर का पता लगाता है और उन्हें रोकने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल करता है। फॉलकन एंड पॉइंट सिक्योरिटी कर चाह सकता है कि वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। क्राउड
स्ट्राइक का दावा है कि कंपनी की ये तकनीक अपने ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल डिवाइस को प्रभावित करने से पहले 99% मेलवेयर थ्रेट्स का पता लगा सकती हैं और इसीलिए ये सारी की सारी गड़बड़ी होने लगी। और अभी भी जब तक ये वीडियो बनाए हैं तब तक इसका सोल्यूशन अभी तक पता नहीं चल पाया है। उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये सारी की सारी टेक्निकल एरर सॉल्व हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आज इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए।